नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आप सभी जानते हो मेरे द्वारा आपके कमेंट में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर वीडियोस बनाए जाते हैं। अलग से भी मैं सीरीज चलाता हूं सिलेबस को ध्यान में रखकर, लेकिन कमेंट सेक्शन में जो कमेंट्स आते हैं या जो प्रश्न आपके द्वारा पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को लेकर भी मैं अक्सर वीडियो बनाया करता हूँ। उसी श्रृंखला में हमारा यह वीडियो है। काफ़ी सारे विद्यार्थियों ने बहुत ही रोचक प्रश्न पूछा जिसके बारे में इंटरेस्ट सभी विद्यार्थियों को आता है संबंधित फील्ड के, और अदरवाइज जो दूसरे व्यक्ति हैं उन्हें भी आता है कि आखिर कितनी सैलरी मिलती होगी ग्रुप 4 एग्जाम में चयन होने के बाद। तो आप सबका प्रश्न था, काफ़ी सारे लोगों का प्रश्न था। सबका प्रश्न कहना उचित नहीं होगा, काफ़ी सारे लोग जानते भी होंगे, जिनको नहीं पता उनको लेकर इस वीडियो को बनाया जा रहा है कि आखिर ग्रुप 4 एग्जाम में चयन होने के बाद आपको कितना वेतन मिलेगा। तो इसको जानने से पहले हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है कि ग्रुप 4 एग्ज़ाम में किन किन ग्रेड पेपर या किन किन स्लैब में जो वेतन मिलता है वे पोस्टें थी। तो दोस्तों, जो ग्रुप 4 का एग्ज़ाम था उनमें 1900 ग्रेड पे, 2100 ग्रेड पे जो कि पटवारी का भी होता है, 2400 ग्रेड पे जो कि वर्ग 3 के शिक्षक का होता है, 2800 ग्रेड पे और 3600 ग्रेड पे, इन 5 पे बैंड या ग्रेड पे पर पोस्टें निकाली गई थी जिनकी चर्चा हमें करनी है। दोस्तों, आपने एक बात पर ध्यान दिया होगा कि अक्सर जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ, पिछले कुछ वीडियो से ऐसा हो रहा है, साइड में यहाँ पर मेरी पिक्चर या वीडियो चलता रहता है जिसमें मैं आपको बोलते हुए दिखाई देता हूँ, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा होगा। इसका कारण है कि जो मेरी आँख है उसमें कंजक्टिवाइटिस, जिसे हम कहते हैं आई फ्लू, वो हो गया है जिसके कारण वो सही से खुल भी नहीं पा रही है। ठीक, और साधारण भाषा में हम कहते हैं उसे आंख आ जाना, जो कि पहले से ही अपने स्थान पर है, फिर भी हम कहते हैं कि आंख आ गई। तो आई फ्लू, आंख का आ जाना या कंजक्टिवाइटिस, ये एक ही चीज़ के अलग अलग नाम हैं जो अलग अलग समय पर प्रचलन में है। जैसे आई फ्लू अभी प्रचलन में चल रहा है। ठीक, तो कारण क्या है मेरी यहाँ पर पिक्चर ना दिखने का, कि मेरी आँख में प्रॉब्लम है जिस कारण से मैं सही तरीके से यहाँ पर देख भी नहीं पा रहा हूँ, तो फिर उसका औचित्य खत्म हो जाता है। तो मैंने सोचा कि इस प्रकार से डिस्प्ले के सामने रहते हुए आपके लिए वीडियो बनाया जाए। पहले मैंने सोचा कि मैं आपको एक कम्युनिटी पोस्ट कर दूँ कि अभी 2-3 दिन वीडियो नहीं आएगा, फिर मैंने सोचा कि नहीं, फिर तब तक और ज़्यादा प्रश्न आपके कमेंट बॉक्स में इकट्ठे हो जाएंगे, फिर उनको सबको कवर करना मुश्किल होगा। तो मैंने कहा कि आज का काम आज ही किया जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं कितनी सैलरी मिलने वाली है। तो आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी होगी कि जो फॉर एग्जांपल 1900 ग्रेड पे से हम शुरू करते हैं, यदि किसी की जॉब 1900 ग्रेड पे वाली लगती है तो आपको ध्यान रखना है जो इसका पे बैंड है 19,500 से 62,000 तक होता है। मतलब आपका जो शुरुआती बेसिक पे होगा वो कितना होगा, 19,500, और यह अंत तक कहाँ तक जाएगा, 62,000 तक जाएगा। जैसे आपने आज ज्वाइनिंग करी, तो यदि 100% जहाँ सैलरी मिलती है, हम एक उस सिचुएशन को मानकर चलते हैं, और फिर बाद में हम मध्य प्रदेश की स्थिति को जानेंगे, क्योंकि अभी घोषणा हुई है कि पहले वर्ष 70% और दूसरे वर्ष 100% वेतन दिया जाएगा। इसके पहले क्या था, पहले वर्ष 70, फिर अगले वर्ष 80, फिर तीसरे वर्ष 90, फिर चौथे वर्ष पूरा वेतन मिलता था। लेकिन अभी माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने क्या घोषणा की, पहले वर्ष हम 70% वेतन देंगे और फिर दूसरे वर्ष से 100% वेतन दिया जाएगा। ऐसी घोषणा सरकार के द्वारा की गई है। ठीक, शिवराज सिंह चौहान जी ने खुद करी हो या गवर्नमेंट के द्वारा की गई हो, ऐसा मुझे सुनने में आया है। तो हम उस प्रकार से चर्चा को करेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि एक्चुअल वेतन कितना मिलना चाहिए 1900 ग्रेड पे पर, जो पहली सैलरी आती है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, बेसिक पे 1900 ग्रेड पे पर जो शुरुआती बेसिक पे होता है वो होता है 19,500। इतना 19,500 तो व्यक्ति को मिलता ही है, साथ ही साथ डीए मतलब डियरनेस अलाउंस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं महंगाई भत्ता, वो अभी घोषणा हुई है कि उसको 42% मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। पहले 12% था, फिर 20 हुआ, फिर 32 हुआ, फिर 34 दोस्तों है ना, 34 हुआ, फिर 38, फिर अब 42 की बात चल रही है। तो डियरनेस अलाउंस मिलता है, जिसे हम कहते हैं डीए, वो मिलता है बेसिक पे का 42%। जब आप 19,500 का 42% निकालेंगे तब आपको कितना अमाउंट प्राप्त होगा,
8190। इसके अलावा दोस्तों एक चीज और मिलती है जिसे हम कहते हैं HRA, होम रेंट अलाउंस, जो कि मध्य प्रदेश में बहुत कम मिलता है। यदि हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो जो होम रेंट अलाउंस होता है दोस्तों, वो एक्स, वाई और जेड सिटी के आधार पर मिलता है। एक्स सिटी मतलब मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, ये सारी। यहाँ पर जो आपका बेसिक पे है उसका 27% होम रेंट अलाउंस मिलता है, वाई सिटी में 18% और जेड सिटी में 8%। इस प्रकार से होम रेंट अलाउंस जो HRA होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पोस्ट होती है उनमें दिया जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं है, मध्य प्रदेश में इस वाले स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं किया जा सकता या नहीं किया जाता। दोस्तों फॉलो तो किया जा सकता है लेकिन मध्य प्रदेश में फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो ये थोड़ी दुर्भाग्य की बात है उन सभी कर्मचारियों के लिए जिनको HRA महज 300, 400, 500, 600 इस रेंज में मिलता है मध्य प्रदेश में। तो आप HRA 500 के आसपास मान सकते हैं। तो दोस्तों यह मोटा मोटा अनुमान है किसका, जो आपका बेसिक सैलरी बनती है, एक कंप्लीट सैलरी बनती है 1900 ग्रेड पे की। जब आप 19,500 और जो आपका डीए है 42%, जो डीए होता है दोस्तों 42% होता है किसका, बेसिक पे का, याद रखें। यहां मैं लिख दे रहा हूं आपके लिए, डीए जो मध्य प्रदेश में चल रहा है जो बेसिक पे का 42% अभी मिलना है, ऐसी घोषणा की गई है। तो इस प्रकार से कुल सैलरी कितनी बनी आपकी, यहां पर हम 8190 को भी जोड़ते हैं फिर प्लस ये 500। दोस्तों वेरी करेगा होम रेंट अलाउंस जो है, कुल 28190 के आसपास आपकी कुल सैलरी बनती है। इसके अलावा दोस्तों इतनी तो आपकी कुल सैलरी बनी 1900 ग्रेड पे पर, फिर कुछ डिडक्शन भी होते हैं, उनका भी आपको ध्यान रखना है। अब डिडक्शन किस प्रकार से होते हैं हम उनकी चर्चा भी कर लेते हैं। डिडक्शन में दोस्तों तीन चीजें कटती हैं, एक होता है नेशनल पेमेंट स्कीम के तहत आपकी जो भविष्य निधि आपको पीएफ वगैरह मिलता है उसके लिए, प्रोफेशनल टैक्स कटता है, और जीआईएस जिसे हम कहते हैं ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, इसके तहत कुल जो आपका बेसिक पे है उसका लगभग 10% के आसपास काट लिया जाता है। तो यदि हम इसमें से लगभग 2800 रुपये माइनस कर दें, किसमें से जो हमारा कुल वेतन बना, या 2900 रुपये माइनस कर दें, तो फिर हमारे लिए इन हैंड सैलरी प्राप्त होगी लगभग कितनी, जो इन हैंड सैलरी होनी चाहिए 1900 ग्रेड पे की, वह होगी 25,290 के आसपास। दोस्तों 2500 प्लस माइनस हो सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है, कुछ और अलाउंसेस यदि मिलते होंगे तो। कम से कम इतनी तो बनती ही है बेसिक पे 1900 ग्रेड पे के हिसाब से इन हैंड सैलरी, ठीक। अब लेकिन मध्य प्रदेश में क्या चक्कर चल रहा है, मध्य प्रदेश में पहले साल आपको 70 मिल रहे हैं। यदि अभी के अपडेट की हम बात करें, यदि जो अभी तक मिलता आ रहा है जो पिछले बार ज्वाइनिंग हुई थी उनका, तो पहले साल 70%, फिर अगले साल 80%, फिर अगले साल 90%, फिर चौथे साल में 100% पर पहुंच रहे हैं। लेकिन अभी घोषणा क्या हुई है, पहले साल हम आपको देंगे 70% और जो दूसरा साल होगा उसमें 100% दे देंगे। तो 70% में क्या स्थिति बननी है, जो आपका बेसिक पे होना है उसका 70% आपको दिया जाएगा। तो जो 19,500 है उसका 70% कितना होता है, 13,650। इतना बेसिक पे बनेगा आपका, और 13,650 का दोस्तों आपके लिए फिर 42% डीए मिलेगा। अब इसका 42% कितना होता है, 5,733। और फिर HRA दोस्तों 500 के आसपास होगा, प्लस माइनस 100-200 आप कर सकते हैं। इस प्रकार से यदि हम 70% वेतन की बात करें तो कुल कितना बैठता है, 13,650, इसमें हमें जोड़ना होगा 5,733, फिर इसमें हमें जोड़ना होगा होम रेंट अलाउंस। इस प्रकार से कुल 19,833 के आसपास आपका कुल सैलरी बैठती है 70% के आधार पर, ठीक। और आपका जो NPS, प्रोफेशनल टैक्स और जो GIS कटेगा वो लगभग 10% कटता है। तो इसमें से आप 2000 माइनस कर लेंगे तो आपको इन हैंड मिलने वाला है 17,833 रुपये, किसमें, 1900 ग्रेड पेपर, ठीक। यहाँ मैंने आपको ज़्यादा विस्तार से एक एक चीज़ को समझाया है, बाकी जो ग्रेड पे है उसमें हम डायरेक्ट चर्चा करेंगे, इतने विस्तार में हमें नहीं जाना है। और फिर दोस्तों अगले वर्ष क्या होगा, अगले वर्ष आपको यह सैलरी मिलेगी और इसमें थोड़ा बढ़ के मिलेगी, क्यों, क्योंकि जो आपका बेसिक पे है उसमें हर साल 3% का इंक्रीमेंट भी तो लगना है, इस बात को आपको भूलना नहीं है। तो जो बेसिक पे है 19,500,
आपको सारी चीजें ध्यान से सुननी है। इसका 3% कितना होगा? 585 के आसपास। इतना कुछ इंक्रीमेंट आपका लगेगा, तो जो बेसिक पे आपका 20,000 के आसपास बन जाएगा, 20,100 के आसपास आपका बेसिक पे रहेगा अगले वर्ष, मतलब दूसरे वर्ष। तो उसके आधार पर फिर 42% डीए मिलेगा और उस हिसाब से आप सारी कैलकुलेशन करेंगे। इस प्रकार से दोस्तों हमने विस्तार से चर्चा कर ली 1900 ग्रेड पेपर, इस चीज़ की कितनी सैलरी बनती है। यदि पूरी सैलरी तुरंत मिलती है तो फिर आपकी टोटल सैलरी बनती है 28,190, और जो एनपीएस वगैरह सारा कटता है, डिडक्शन होता है, उसके बाद 25,290 इन हैंड मिलती है, और जो एनपीएस भविष्य में आपको मिल जाता है। लेकिन 70% मिलेगी पहले साल, तो कुल बनती है 19,833 के आसपास, और 18,000 के आसपास आपको मिलेगी। फिर बात करते हैं हम 2100 ग्रेड पे की। हाँ दोस्तों, एक बात और याद रखें, मैंने जो कहा कि हर साल इंक्रीमेंट लगता है 3% का, वही इंक्रीमेंट लग के जो आपका बेसिक पे 19,500 है, रिटायरमेंट तक 62,000 तक पहुंच जाता है यदि आपकी उतनी लंबी सर्विस है तो। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो 3-3 जो परसेंट बढ़ता है हर साल, इस प्रकार से बढ़ते बढ़ते 62,000 तक पहुंचेगा, और अंत में जो आपका बेसिक पे होगा वो 62,000 होगा। 62,000 का 42% आपको फिर डीए मिलेगा, उस हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे तो फिर आपकी सैलरी बहुत बढ़िया पहुँच जाएगी। मेरा उद्देश्य था कि आपको सैलरी कैलकुलेशन किस प्रकार से करते हैं उसका कॉन्सेप्ट समझाऊं, तो 1900 ग्रेड पे मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया। अब हम सीधे बात करते हैं कि कितनी सैलरी बननी है, यदि 100% मिलती है तो, और यदि 70% पहले साल मिलती है तो। ठीक, अब बात करते हैं 2100 ग्रेड पे की। यहाँ पर बेसिक पे कितना है दोस्तों 2100 ग्रेड पे में? 22,100। डीए आपको जो बेसिक पे है उसका कितना मिलने वाला है? 42% डीए मिलेगा, तो कितना डीए बना आपका? 9,282 प्लस एचआरए। यहाँ पर हम 500 मान के चलते हैं दोस्तों, 500 रुपये में एक दिन के लिए रूम नहीं मिलता किराए पर। यहाँ पर एचआरए आपको 500 दिया जा रहा है, मध्य प्रदेश स्टेट में पूरे महीने भर का रूम का किराया। आप खुद सोच सकते हैं क्या स्थिति है यहाँ पर होम रेंट अलाउंस की, इसको बढ़ाना चाहिए मेरे हिसाब से, बाकी गवर्नमेंट के ऊपर है। तो इस प्रकार से यदि आप इन तीनों को जोड़ते हैं तो 31,882 आपकी टोटल सैलरी बनती है 2100 ग्रेड पे में दोस्तों। ये पटवारी की सैलरी हो सकती है। अब इसमें से दोस्तों आप क्या 10% आपको जो डिडक्शन होने, टोटल मैंने ऑन एवरेज मान के 10% माना है, इतने के आसपास कटता है। ठीक, तो 10% डिडक्शन होगा आपका, तो इसमें से आपको माइनस करना होगा कितना? 31,188। जब आप इसमें से माइनस करेंगे, किसमें से? 31,882 में से, तो आपका नेट जो सैलरी बनेगा किसमें? 2100 ग्रेड पे में इन हैंड सैलरी आपको मिलेगा 28,693 के आसपास। और फिर वही बात आती है कि अभी तो 70% मिलनी है, तो जो बेसिक पे है आपका 22,100, उसका आप 70% जब निकालेंगे तो आप पाएंगे कि 22,100 का 70% कितना आता है? वो आता है 15,470। अब 15,470 में दोस्तों आपके लिए क्या होगा? इसमें आपके लिए 42% डीए मिलेगा, इसका 42% यदि हम निकालेंगे तो कितना आएगा? 6,497, और एचआरए हम 500 मान के चलते हैं। इस प्रकार से यदि हम 70% नेट सैलरी की बात करें 2100 ग्रेड पे में, तो वो कितनी बनती है उसकी भी हम चर्चा कैलकुलेशन के माध्यम से कर लेते हैं। तो दोस्तों एक्चुअल मैं आपको कैलकुलेशन के माध्यम से सारी चीज़ें बता रहा हूँ। 22,462, इसमें से भी आपका 10% एनपीएस कटेगा, तो लगभग 20,000 के आसपास आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी 2100 ग्रेड पे में पहले साल, जब 70% दी जाएगी। और जब 100% मिलने लग जाएगी तो शुरुआत में आपको मिलती 28,693 इन हैंड सैलरी, जो टोटल कितनी बनती है? 31,882। उम्मीद है इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। अब बारी आती है 2400 ग्रेड पे की। दोस्तों मैंने सिर्फ उन्हीं ग्रेड पे को लिया है जो ग्रुप 4 के एग्ज़ाम में थे, ताकि आपका जो क्वेश्चन था कि ग्रुप 4 के जो एग्ज़ाम में सैलरी कितनी बनने वाली है उनकी आपको जानकारी हो पाए। अब इस हिसाब से दुनिया भर के ग्रेड पे जितने भी हैं मध्य प्रदेश में, भारत में चल रहे हैं, उनको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जब आप सेंट्रल जॉब्स की बात करेंगे तो वहाँ पर आपको एचआरए एक्स वाई जेड सिटी के हिसाब से कैलकुलेट करना होगा, बेसिक पे का 27%, 18% और 9% के आसपास। ठीक, और वहाँ पर डीए और टीए भी मिलता है, तो कुछ और अलाउंसेस एक्स्ट्रा मिलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में,
जिस कारण से वहाँ का जो बेसिक पे और स्टेट का बेसिक पे इक्वल होने के बाद भी वहाँ की सैलरी ज़्यादा बनती है। ठीक, अब बात करते हैं 2400 ग्रेड पे के आसपास की। तो 2400 ग्रेड पे का दोस्तों जो बेसिक पे है वो है 25,300। अब जब 25,300 का आप 42% निकालेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 10,626। और फिर आपको 500 के आसपास होम रेंट अलाउंस मिलना है। ठीक, तो कुल सैलरी कितनी बनती है किसमें, 2400 ग्रेड पे में। तो 2400 ग्रेड पे में जो आपको कुल सैलरी बनने वाली है वो 36,426 के आसपास बनेगी, लेकिन 10% के आसपास डिडक्शन भी होता है। तो डिडक्शन के बाद यदि आप इसमें डिडक्शन भी काउंट कर लें या घटा लें तो आपकी कुल सैलरी बनती है कितनी, 32,783 के आसपास इन हैंड सैलरी। 100% मिलती है तो, लेकिन 100% तो मिलनी नहीं है, हमें मिलनी कितनी, 70%। तो आपको क्या करना होगा, जो बेसिक पे है 25,300 उसका 70% निकालना होगा, जो कि आता है 17,710। अब इस 17,710 का आप जब 42% निकालेंगे तो आपको मिलेगा 7,438, और 500 रुपये आपको क्या जोड़ना है इसमें, HRE भी जोड़ना है। ठीक, तो कल सैलरी कितनी बनती है, 17,710 प्लस आपको जोड़ना है 7,438, जो आपका DA मिलने वाला है, प्लस 500 रुपये होम रेंट अलाउंस। तो दोस्तों यदि हम बात करें 2400 ग्रेड पेपर 70% की पहले वर्ष की सैलरी 25,000 के आसपास बननी है, 25,648 के आसपास, लेकिन ये टोटल सैलरी है, 10% डिडक्शन इसमें घटना है। तो घटाने के बाद कुल सैलरी आपको कितनी मिलने वाली है उसकी चर्चा भी हम एक बार कर लेते हैं। तो 23,083 रुपये के आसपास आपको कुल सैलरी मिलेगी 2400 ग्रेड पे में, 70% के आधार पर और डिडक्शन को घटा के। दोस्तों बीच बीच में मैं थोड़ा रुक रुक कर बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे कैलकुलेशन भी करना पड़ रहा है, तो इस बात को आप इग्नोर कर दें इस वीडियो के लिए, ठीक है। और थोड़ा सा प्रॉब्लम भी मेरी आँख में है, तो उस प्रकार से सही से चीज़ें दिख भी नहीं रही हैं, थोड़ा सा पेन भी फील हो रहा है आँख में, ठीक है। अब बात करते हैं 2800 ग्रेड पे की, या 2800 ग्रेड पे कितनी सैलरी बनने वाली है। दोस्तों इंक्रीमेंट किस प्रकार से लगते हैं उसकी चर्चा भी हमने कर ली है, ठीक। आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएं, हम आपको एक चार्ट भी शेयर कर देंगे कि 1900 ग्रेड पे में सबसे पहला जो बेसिक पे होता है 19,500 होता है, फिर किस प्रकार से एक एक इंक्रीमेंट लग के वो 62,000 तक जाता है। इसी प्रकार से हर ग्रेड पे का 5,400, 6,600, इन सारे ग्रेड पे का मैं एक चार्ट आपको वहाँ पर शेयर कर दूंगा, ठीक है। फिर बारी आती है 2800 ग्रेड पे की सैलरी की। यहाँ पर बेसिक पे है दोस्तों 28,700, स्टेनो की पोस्ट आपने देखी होगी, ये बेसिक पे। डियरनेस अलाउंस बेसिक पे का मिलता है 42%, तो बेसिक पे कितना है 28,700, इसका 42% आपको मिलेगा कितना, 12,054, प्लस 500 रुपये आपको HRA मिल जाएगा। तो जब आप इनको जोड़ेंगे किसको, 28,700 प्लस 12,054 प्लस 500, तो कुल आपका जो सैलरी बनेगी 41,254 के आसपास बनेगी, लेकिन आपको इन हैंड कितनी मिलनी है, जो 10% डिडक्शन है उनको घटा के मिलनी है। तो 10% घटाने के बाद आपको कितनी सैलरी प्राप्त होगी, आपको प्राप्त होगी 37,128 के आसपास, लेकिन ये दोस्तों 100% की बात है। 27% पर यदि हम आए तो 70% पर यदि हम आए पहले साल की सैलरी, तो आपको जो बेसिक पे है उसका 70% करना होगा। तो जो बेसिक पे 28,700 है उसका 70% करेंगे तो आप पाएंगे 20,090 होता है। अब डीए आपको जो मिलेगा इस 20,090 का 42% मिलने वाला है, जो कितना बैठता है, वो बैठता है 8,437, और 500 के आसपास आपको HRA मिलना है। तो दोस्तों जो मैं आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूँ, आप इस प्रकार से हर ग्रेड पे की सैलरी को खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं, और सबसे सटीक अनुमान आपको इसी प्रकार से मिलने वाले हैं। जो अदर अलाउंसेस हैं उनकी बात मैं आपसे नहीं कर रहा हूँ। तो 29,027 और अदर अलाउंसेस ज़्यादा नहीं होते, सारी चीज़ें मैंने आपको जोड़ी। पुलिस डिपार्टमेंट में जैसे वर्दी के लिए अलग से कुछ चार्ज मिलता है, उसकी सफाई के लिए, कुछ जो ऑफिशियल पोस्ट होती है पटवारी हो गया जैसे, वहाँ पर अदर अलाउंसेस मिलते हैं ऑफिशियल वर्क के लिए, तो कुछ बेसिक छोटे छोटे अलाउंसेस और होंगे 200-500 रुपये के, उतना अंतर होगा। उससे ज़्यादा अंतर हमारे कैलकुलेशन में आपको देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि जो आपका प्रोविजनल पीरियड होगा उसमें तो यही मिलना है आपको, तो आप इसी को 100% मानकर चलें। HRA हो सकता है 250 कर दें, क्योंकि HRA का तो मुझे खुद समझ नहीं आता,
₹500 में, ₹250 में, ₹300 में आपको मध्य प्रदेश के किसी भी कोने में महीने भर के लिए रहने के लिए एक छोटा सा कमरा भी नहीं मिलने वाला। लेकिन नाम क्या है? होम रेंट अलाउंस, घर के किराए के लिए भत्ता ₹250 में, है ना। तो जो 70% का कुल सैलरी बनता है 2800 ग्रेड पे में, वो बनती है कितनी? 29,027। लेकिन आपको यहाँ पर क्या मिलना है? 10% डिडक्शन भी होना है। तो डिडक्शन के बाद आपको कुल सैलरी कितनी मिलेगी? कुल आपको मिलेगी 26,124 के आसपास 2800 ग्रेड पे में 70% पर एनपीएस और बाकी सारे डिडक्शन काटने के बाद। डिडक्शन दोस्तों मैंने ऑन एवरेज 10% काटते हैं, इस बात को ध्यान रखें। दोस्तों आपने यदि ध्यान दिया हो तो ग्रुप 4 के एग्जाम में एक दो पोस्ट 3600 ग्रेड पे की भी थी, ठीक, तो उनकी चर्चा भी हम कर लेते हैं। दोस्तों सब इंस्पेक्टर का, नायब तहसीलदार का, जो टैक्सेशन असिस्टेंट की पोस्ट निकली है उनका, एक्साइज इंस्पेक्टर, इन सब का ग्रेड पे होता है कितना? 3600। तो 3600 ग्रेड पे की भी कुछ पोस्ट थी ग्रुप 4 के एग्जाम में जो आपने अभी दिया। तो हम बात कर लेते हैं, यदि 100% सैलरी मिलती है और फिर 70% है, स्पेस ज़्यादा है तो हम उसको बढ़िया तरीके से यूज़ करते हैं। 100% सैलरी मिलती है तो बेसिक पे कितना बना? 36,100। इस पर डीए मिलना है आपको 42%। दोस्तों ध्यान रखें, जो डीए है, मैं बार बार कह रहा हूँ, वो आपको बेसिक पे का 42% मिलता है और बेसिक पे हर बार आपका इंक्रीमेंट लग लग के बढ़ता रहता है। तो यहाँ पर 36,200 का 42% कितना हुआ? 15,004। और एचआरए होम रेंट अलाउंस 500 के आसपास ही आप माने, जो बहुत कम है। 36,200 प्लस यदि हम बात करें 15,204, इन सब को हम जोड़ेंगे तो हम पाएंगे जो नेट सैलरी बनती है 3600 ग्रेड पे की, वर्ग एक के टीचर का भी दोस्तों 3600 ग्रेड पे होता है, वो बनती है 51,904। इतनी बन गई, लेकिन 10% आपका क्या कटना है? डिडक्शन होना है एनपीएस का, प्रोफेशनल टैक्स का और सारी चीज़ों का, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। तो ये सब काटने के बाद इनहैंड सैलरी जो बनेगी 100% पर 46,713 के आसपास बनने वाली है। यदि हम बात करें 70% की, तो बेसिक पे का 70% आपको करना होगा। बेसिक पे है कितना? 36,200। आज आपको दोस्तों सारा कैलकुलेशन समझ में आने वाला है, किस प्रकार से सैलरी को आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो दोस्तों बेसिक पे का 70% यदि आप करेंगे तो आपको प्राप्त होगा कि 3600 ग्रेड पे पर 70% कितना बनता है बेसिक पे का? 25,340, ठीक है। फिर हम बात करते हैं डीए की, जो बेसिक पे बना 25,340, इसका 42% आपको मिलने वाला है क्या? डीए। तो कुल डीए मिलेगा आपको कितना? 10,642 के आसपास, और ₹500 आप एचआरए मान लें। और इस प्रकार से यदि हम कुल सैलरी की बात करें 70% पर, जो कि मध्य प्रदेश में पहले साल मिलने वाली है, तो वो कितनी बनेगी उसकी चर्चा हम कर लेते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से कुल 36,482 आपको मिलेगा 3600 ग्रेड पे का 70%। और ये पूरा नहीं मिलेगा दोस्तों, 10% कट के इनहैंड कितना आएगा आपके हाथ में, इसकी चर्चा भी हम कर लेते हैं। तो 32,833 के आसपास इनहैंड सैलरी मिलेगी पहले साल मध्य प्रदेश के अंदर 3600 ग्रेड पे वाले व्यक्ति को। तो आपको एक डाउट आ रहा होगा, सर कि अभी जो सिस्टम चल रहा है, पहले साल 70%, दूसरे साल 80%, तीसरे साल 90%, चौथे साल 100%, तो दोस्तों वो किस प्रकार से चल रहा है? इस बेसिक पे के हिसाब से ही चल रहा है। पहले साल 70%, दूसरे साल इसी का कर देंगे 80%, फिर 90%। हाँ, इसमें इंक्रीमेंट जो 3-3% के हैं वो लगाते रहेंगे, जो आपका बेसिक पे था एक्चुअल वाला, उसमें उसको आपको नहीं भूलना है। उम्मीद है सारी चीज़ें आपको सैलरी को लेकर क्लियर होंगी, किस प्रकार से हम सैलरी को काउंट करते हैं। जितने भी प्रकार के ग्रेड पे की पोस्ट यहाँ पर निकाली गई थी ग्रुप 4 के एग्ज़ाम में, उन तमाम पोस्ट की सैलरी की हमने चर्चा करी। और हाँ दोस्तों, कुछ संविदा वाली पोस्ट हैं जहाँ पर आपके लिए सैलरी है वहाँ पर आपके लिए फिक्स्ड सैलरी मिलने वाली है, तो उनकी चर्चा हम नहीं कर रहे। जितनी भी सैलरी वहाँ पर लिखी हुई है ना उन पोस्ट के लिए, उतनी ही सैलरी मिल रही है। मान लो 9,000 सैलरी लिखी है या 19,500 लिखी है जो फिक्स वेतन है, आपको वहाँ उतना ही वेतन मिलेगा, उसमें डीए एचआरए कुछ नहीं जुड़ेगा, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो उनकी चर्चा हम नहीं करते, वो फिक्स है, वहाँ साफ साफ लिखा हुआ है। जहाँ कैलकुलेशन की आवश्यकता थी हमने उसको किया। उम्मीद है सारी चीज़ें क्लियर होंगी। इसी प्रकार से इंटरेस्टिंग जानकारी पाने के लिए, और आप चाहते हैं कि आपके दोस्त और जो साथ वाले व्यक्ति हैं उनको भी इस जानकारी का पता लगे, तो इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करें। बहुत विस्तार से हमने चर्चा करी किस प्रकार से सैलरी को आप काउंट कर सकते हैं।
तो इस वीडियो को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर करें। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत मेहनत करके हम आपको वीडियो बनाते हैं, इसी प्रकार से बने रहें हमारे साथ, लगातार मेहनत करें, लगातार आगे बढ़ते रहें, और तब तक ना रुकें जब तक कि आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।